नीति आयोग के रिपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीति आयोग किस तरह काम कर रहा है इसको भी देखना चाहिए। यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार पूरे राष्ट्र को एक ही मापदंड से देखना विचित्र बात है। बिहार आबादी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि जब भी नीति आयोग की बैठक में मैं जाऊंगा अपनी पूरी बात रखूंगा। साथ ही नीति आयोग के रिपोर्ट पर सरकार का उत्तर भी नीति आयोग और केंद्र सरकार को जाएगा। हेल्थ को लेकर बिहार में क्या स्थिति थी पहले ये सबको पता है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि हॉस्पिटल में पहले कुत्ता बैठा रहता था और अब क्या हालत है सबको पता है। इसके बाद जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उपचुनाव होने के बाद राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर बातचीत करेंगे। बिहार में मुझे पूरा भरोसा है कि जनजातीय जनगणना पर एक राय बनेगी। वही लखीमपुर खीरी की घटना पर नीतीश कुमार ने कहा कि आज सुबह अखबार में घटना को देखा है, यह उत्तर प्रदेश का मामला है, इस पर सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो एक एक चीज देखिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। अब बिहार में देखिए तो कभी कोई इग्नोर करता है एक एक चीज को। अब जरा अभी देख लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा काम कर रहा। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था तो उस दिन हम लोगों ने कहा कि पूरा करो, तो 33 लाख टीकाकरण किया। और उसके बाद कल पे ये 2 तारीख को देखिए बापू के जन्मदिन पर हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग 35 लाख से ऊपर जाएंगे। लेकिन कितनी वर्षापात हुई उस दिन, इतना वर्षा होने के बाद भी 30 लाख से भी ज़्यादा हुआ। तो हमारे यहाँ हेल्थ के लोग कितना मेहनत और एक एक काम कर रहे हैं भाई। कभी जो यहाँ के लोग काम करते हैं उसके बारे में भी जानना चाहिए। लेकिन अब ऐसे ही कोई एक चीज़ ले लीजिएगा कहीं से फिगर करिएगा तो एक्चुअल अध्ययन नहीं। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ इसका भी उत्तर भी जाएगा और स्पष्ट तौर पर अध्ययन करना चाहिए। कभी मीटिंग होगी हम दोहरा के कहेंगे, हम ये सब बात कहेंगे। अब आज आप पूछ रहे हैं तो आपको हम बता दिए, हमको किसी पर कुछ कहना नहीं है। लेकिन बैठक होगी तो बैठक में ही हम सारी बात कहेंगे। जाति आधारित जनगणना के बारे में तो 2-3-4 बार बोल चुके हैं, हम लोगों का तो व्यू वही है। हम लोग चाहेंगे कि इस पर केंद्र सरकार भी विचार करके निर्णय ले। लेकिन जो आप पिछली बार पूछ रहे थे और मालूम जो आ गया था सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों की तरफ से जो भी कहा गया, तो आप जानते हैं कि हमने तो यही कहा था कि हम लोगों की राय तो ये है कि होना चाहिए। और इसके बाद फिर चूंकि बिहार के सभी पार्टियों का शिष्टमंडल मिला था तो हम यहाँ पर वही 10 सभी पार्टियों के लोगों के साथ बैठक करके आगे क्या किया जाना चाहिए बिहार के कंटेक्स्ट में उस पर हम लोग बातचीत करके कोई निर्णय लेंगे। तो ये हम लोगों का किया हुआ है और ऑलमोस्ट सभी दल के लोगों से ये बात हो रही है और सब हो जाएगी तो एक बार ज़रूर बैठ करके। और ख़ास करके तो आ गया एक बाई इलेक्शन में तो इसके बाद वाले पीरियड में ही बैठ करके बातचीत की जाएगी। तो यूपी की बात है तो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ होगा तो लोगों को निश्चित रूप से उचित कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी घटना घटी हम तो देखे हैं, अब फ्रंट लाइन पर ही था समाचार पत्रों में। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, नीति आयोग के रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है सीएम नीतीश कुमार का? देखिए करिश्मा, नीतीश कुमार का जो बाइट आया है, नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है वो धमाका है। अब नीति आयोग की पूरे सिस्टम को नीतीश कुमार ने खंगाल दिया है। अब आप समझिए कि नीतीश कुमार ने कहा ये तो बहुत विचित्र तरीके से नीति आयोग काम कर रहा है। विचित्र का वर्ड बहुत ही कह सकते हैं कि खतरनाक वर्ड है। और जिस तरीके से काम कर रहा है ये बात समझ से पड़े है कि नीति आयोग कैसे काम कर रहा है। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, नीतीश कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र की तुलना बिहार से कैसे करेंगे। महाराष्ट्र विकसित देश राष्ट्र है, हम लोग विकासशील राज्य में कह सकते हैं, गिनती हमारी आती है, आप दोनों को एक साथ मिला देंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि तीसरे नंबर पर बिहार आ रहा है आबादी के हिसाब से और यहाँ का जो घनत्व है वो बिहार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। और तब इस चीज को अगर आप मिलाने के बाद आप रिपोर्ट अगर पेश करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, तो ये अपने आप में बहुत विचित्र है। और शायद लोगों को याद रखना होगा 2006 से पहले क्या हालत थी बिहार में। कुत्ते बैठते थे हॉस्पिटल में, मतलब नर्स नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे। नीतीश कुमार ने अपने सरकार के द्वारा किए गए कामों को भी पूरी तरह से उल्लेखित किया है और कहा है, उससे बड़ा बयान जो उन्होंने दिया, कहा कि मैं जब भी नीति आयोग के बैठक में जाऊंगा
मैं इस पूरे मामले को लेकर के अपनी पूरी बात दोहराऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है करिश्मा कि एक उत्तर बनाइए और नीति आयोग को पूरे उत्तर से अवगत कराइए। इसका मतलब है कि नीति आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है, नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया है, और सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नीति आयोग के उत्तर को तत्काल वो केंद्र सरकार को नीति आयोग को भेजे और बताए कि बिहार में किस तरीके से हेल्थ सर्विस का काम हो रहा है। तो नीतीश कुमार का बयान एक धमाका बयान है और शायद पूरी तरह से नीति आयोग से रिपोर्ट को नीतीश कुमार ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। करिश्मा चलिए बिल्कुल अमरगोब, आप बने रहे हमारे साथ, अगले खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो बढ़ेंगे अगले खबर की ओर।